नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको आपकी गाड़ी में एक ऐसे बटन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये बटन किस काम में आता है, इस बटन का क्या काम होता है। तो दोस्तों आइए सीधा मूव करते हैं कि वो बटन कौन सा है, उसमें क्या काम होता है उस बटन का। दोस्तों आज हम जिस बटन के बारे में बात करने वाले, वो बटन है हेडलाइट लैबर एडजस्टर। आपने अपनी गाड़ी में अक्सर देखा होगा कि जो स्टेरिंग में राइट साइड में आपको ये बटन दिया होता है, ये देखिए ये बटन दिया होता है। हाँ जी, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें पूरी गाड़ी समझ आ गई लेकिन इस बटन का हमें पता नहीं चला। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम में आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो बटन होता है ना, ये हमारी जो गाड़ी की हेडलाइट वो उसको एडजस्ट करने के लिए आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी में तीन पैसेंजर बैठे हैं पीछे, कि हमने बूट स्पेस में मान लो रख लिया, हमने 80-90 किलो का हमने वजन रख लिया, तो उससे क्या होता है पीछे से गाड़ी थोड़ी दब जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जो हेडलाइट का जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और उससे जो बड़ा नुकसान हमें ये होता है वो हमें क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती है। ओके दोस्तों अब देखते हैं कि ये हमारा हेडलाइट एडजस्टर कैसे काम करता है। ये बटन अब है 0 पे, ये बटन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने पीछे ज्यादा सामान रखती है तो ये बटन हमारे हमें 1 पे करेंगे तो इसके लेवल हेडलाइट का लेवल ये थोड़ा डाउन हो जाएगा, और ज्यादा सामान हम इसको 2 पे करेंगे इस पर लेवल है और भी डाउन हो जाएगा, जिससे जो हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल रोड पे पड़ती है और हमें अच्छे विजिबल दिखते हैं। इसका सबसे बेनिफिट ये है, कई गाड़ी में तो फॉग लैंप आते हैं लेकिन कई गाड़ियों में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। जिन गाड़ियों में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अगर धुंध के समय में गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम इसको 2 की बजाय 3-4 पे कर दें, जो हमारा जो गाड़ी का जो 5 पे कर दें, जो हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट होगी वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी और जो हमें बिल्कुल जो है आगे क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर टेक्निकली बात करें तो हमारी गाड़ी का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें पीछे एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी रहती है, जैसे हम इसको अपने हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो रोटेट कर देती है, जो उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करती है डाउनवर्ड्स, जिसे जो डाउनवर्ड करने के जो हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड पे नीचे की तरफ बचती है। जैसे मान लें हमने पीछे सामान रखा है जो ऊपर जाने की बजाय उसको नीचे की तरफ रख देती है, यही है इसका फंडा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये मेरी जानकारी यूजफुल रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको लास्ट में एक बार फिर से कर देता हूं, अगर आप जम्मू डिवीजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो और आप नई गाड़ी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शोर है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आपको नई गाड़ी जो भी गाड़ी चाहिए होगी सही गाड़ी पिच करके आपको सही गाड़ी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।